साथ ही साथ मैं आपको, आ, भी साथ आपको एक वाट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसपे इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको Uh, उस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आप उनसे जुड़ सकते हैं और उस पर आपको रेगुलरली वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं टी फॉर ईयर ऑफ कैंपस फॉर पासिंग ट्वेंटी एंड चेक लास्ट डेट हियर ग्रेट ट्वाइस फॉर ग्रेट टैलेंट समझ में आ रहा है ये क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनका टैलेंट जिनके पास अपना टैलेंट है टैलेंट इन द सेंस ऑफ दिस टेक्निकल नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छी, अच्छी अपॉर्चुनिटी जो टीचर्स ने अपना कैंपस निकाला उनके लिए बीस इक्कीस में पास आउट हो चुकी है बीस बाईस में पास आउट हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए समझ में ना स्पेशली उन लोगों के लिए है तो अब आगे आगे देखते हैं इसमें है क्या एग्जैक्टली exactly? क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इस बारे में बात करेंगे तो एज अ वेले बिफोर आई विल जस्ट टॉकिंग अबाउट द

एंडेड March 31, वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात है समझ में एंड इज लिस्टेड इन द बी एस ई फॉर्मल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एन एस सी विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टी सी एस प्रो एक्टिव स्टेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अवॉर्ड विनिंग वर्क विथ कम्यूनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अर्न इट अ प्लेस इन द लीडिंग सस्टेनेबिलिटी

Of passing 2020 and 2021. So we received an overwhelming response from all of you during the TCS off-campus drive September 2021. The harness the abundance of talent and ensure to create potential misses out of the opportunity to build a greater future with us. We present to you to you first two of TCS off-campus hiring for engineering graduate from the year of passing. और इसके अंदर ये लोग दो फ्रेशर्स को मांग रहे हैं एक तो 20, के जो या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी है उनको मांग रहे हैं जो भी स्पेशली फॉर द नेक्स्ट जो फेज है फेज टू में जो वर्किंग होने वाली है जो तो प्रोसेस होने वाली है उसके लिए मांग रहे हैं ठीक है

ठीक है तब से वो कई लोगों को इनके टेस्ट दे रहे हैं लोग उसमें और उसके बेसिस पे वो आगे की तरफ उसकी प्रोसेस बढ़ाएगा मतलब नेक्स्ट प्रोसेस किसके होगी इंटरव्यू प्रोसेस होगी फिर एचआर प्रोसेस होगी और ये सब चीज प्रोसेस चलेगी ठीक है तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन किस पर्पज से करना है आपको भी इसके अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक टेस्ट देना होगी टेस्ट देने के बाद आपके लिए नेक्स्ट जो रहेगा नेक्स्ट फेज जो रहेगा इंटरव्यू फेज रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट एच फेज रहेगा ये जो ऑलरेडी चलता है वो ऑलरेडी नॉर्मल जो फेजेस है वो ऑलरेडी वर्कआउट करेंगे ठीक है तो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग

रजिस्ट्रेशन एन डेट क्या है सिक्सटीन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी है लास्ट है उसके बाद टेस्ट कमेंसमेंट है आठ नवंबर को सॉरी जो टेस्ट स्टार्ट हुआ था वो इंटरव्यू डेट अनाउंस इन बेस्ट टेस्ट तो रिजल्ट होगी ठीक है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन की एक वो है, है। ओके

ठीक है तो आप तो अगर अब फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ऐसे अगर न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाव पे जाना है उस पर अपने रजिस्ट्रेशन करना है और पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है आपके पास मेल आएगा मेल पे आने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एंड देन आप उसके डैशबोर्ड पर जा सकते हैं ठीक है अभी उसकी साइट्स ओपन नहीं हो रही है देखिए मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ यहाँ आप देख सकते हैं तो इट में भी सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है जो भी है बट जैसे ही वो ओपन होता है तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन होगी, दो ऑप्शन होंगे एंड आई टी पे क्लिक करतेम फिलअप करना है एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं मतलब सबमिट कर सकते हैं क्लियर है एंड नाउ नेक्स्ट क्या है टू कंफर्म स्टेटस चेक ट्रेक योर एप्लीकेशन स्टेटस शुड

का रहेगा और यू मिला के आपको वन एट्टी मिनट का पेपर होगा क्लियर है अब ये, है ये जो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग वाले जो पॉइंट है इसपे क्वेश्चन बहुत नीचे बराबर जबकि यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है अब एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर ईयर ऑफ पासिंग 2020 एंड ट्वेंटी थ्री परसेंटेज मिनिमम एग्रीगेट जो है मार्क्स ऑफ 60 परसेंट वो या सिक्स सी होना चाहिए ठीक है इन ईच ऑफ क्लास सॉरी टेंथ ट्वेल्थ डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड ठीक है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन इन द

from NIOS, the National Institute of Open Schooling. They are also eligible to apply if other courses are full time. ठीक है ना आप ये लोग वो लोग भी इसको apply कर सकते हैं. Work experience student will prior work experience of up to two year are eligible to apply of TCS of campus hiring process. अगर आपको दो साल का भी experience है, तो भी आप कभी आप क्या कर सकते हो इसको

नेक्स्ट वन इज हाँ फ्रीकुंटली आज क्वेश्चन देखिए ये भी आपको बता दें टेस्ट पैटर्न क्या थे क्लियर टेस्ट प्रिपरेशन विद टी सी एस के बारे में बता दिया मैंने कि इंटरव्यू टी सी एस नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि किस टाइप का पैटर्न आते हैं टेस्ट किस टाइप की बनती है यहाँ पे ऑलरेडी क्या है साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल से कुछ इन्फॉर्मेश रिलेटेड टू टेस्ट की

मैं बताने जा रहा हूँ वैकेंसी किसके लिए वो आई टी फील्ड के लिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ है नेम ये PCS, उसको फर्स्ट नेम मोबाइल नंबर नेंबर्स डेट ऑफ बर्थ क्या है जेंडर्स का ई मेल आई आपको देना है मोबाइल नंबर नेम देना है क्वालिफिकेशन आपको देनी है ठीक है ना ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है ये टेस्ट लोकेशन बताना है कहाँ पे आपकी जो टेस्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है इंदौर में तो इंदौर के पास में कहाँ आपकी इसकी लोकेशन होगी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको एंटर करना है पासवर्ड री एंटर पासवर्ड करना है सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल्स होंगे वहाँ आपको भरना है और फिर उसका आंसर भी देना है एंड देन आज में आपको इस कैप्चा को क्लियर करना है एंड देन सबमिट करना है एंड देन दिस इंफॉर्मेशन विल बी रीच ऑन योर

यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए अगर आपको कुछ तो ईयर ऑफ पास क्या है हायरिंग टेस्ट स्टूल्स क्या रहेगा एट नवंबर ट्वेंटी से स्टार्ट हो चुका है वो अब तक चल ही रहा है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग टेस्ट चलते आ रहे हैं समय समय पर कहीं ना कहीं टेस्ट चल ही रहे हैं यू शुड अप्लाई फॉर द ऑफ कैंपस बता दिया गया है टेस्ट पैटर्न बता दिया मैंने कोडिंग है And of, uh, 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 numerical abilities, कुछ टाइप के क्वेश्चन है अगर आपको उस पर कुछ करना रिड आउट करना है तो आप इसको एमसीटली यहाँ पे है जो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है यहाँ आप उसको रिडआउट कर सकते हैं इन क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे ठीक है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑल दस के लिए ईयर ऑफ पासिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन बैच के स्टूडेंट है उनके लिए सबसे स्पेशली ये टाइम बहुत सारा है क्योंकि पेंडेमिक के डूरेशन में कई लोगों के जॉब नहीं लगे थे तो नहीं लगे हैं वो प्लीज अप्लाई करें इस टी सी एस जॉब को हाथ से ना जाना दी ठीक है ना ये आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है जहाँ पर आप अपने आपकी एबिलिटी को या टैलेंट को वापिस से ग्रो कर सकते हैं एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर टी सी ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज ज्वाइन दिस टेस्ट एंड अपने आप को स्किल प्रूव कीजिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए थैंक यू वेरी मच और अगेन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो डिटेल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के अंदर मतलब नीचे की तरफ यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी आप उसको जरूर रीड आउट कीजिए व्हाट्सअप लिंक पे भी कनेक्ट ज्वाइन हुई जिससे आपको मैं आगे आगे जो भी रेलेटेड हो होगी क्या प्लेसमेंट से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा थैंक यू वेरी मच